दुर्गापुर से डिपार्चर अपने ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। अच्छा फास्ट लोकल कितना है पता है? ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। तो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू जर्नी। तो अभी मैं फिलहाल हूँ धनबाद जंक्शन पर। तो आज की जर्नी होने वाली है ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस में। इस ट्रेन की नंबर की बात किया जाए तो 22388 22388। ये ट्रेन की टाइमिंग की मैं बात करूँ तो डेली ये ट्रेन आपको शाम 4:20 को धनबाद जंक्शन से खुलती है और रात 9:20 को आपको हावड़ा पहुँचाती है। ये जो ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ये डेली 271 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 5 घंटों में 14 होल्टों के साथ। मैं धनबाद जंक्शन की बात करूँ तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आती है झारखंड स्टेट में। और इसका प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वहाँ ने मिलाकर कुल 8 प्लेटफॉर्म है। और डेली यहाँ से आपको 100+ ट्रेनें मिलती है और डेली यहाँ से लोग 1 लाख लोग यहाँ से सफ़र करते हैं धनबाद जंक्शन में। तो चलिए जर्नी में कंटिन्यू बने रहे। नहीं भाई, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस की बात करूँ तो इसका जनरल कोच का किराया 115 रुपया, सेकेंड सीटिंग का 130 रुपया और एग्जीक्यूटिव चेयर का 470 रुपया भाई यहाँ से किराया। तो मैंने लिया है जनरल का टिकट भाई। अपनी ब्लैक डायमंड सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग रही है। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई। अक्सर ये 1-9 प्लेटफॉर्म में आती है। तो मैं इस ट्रेन की कोचों की बात करूँ तो इसमें 13 जनरल कोच है, 4 सेकंड सीटिंग कोच और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार कोच है। कोचों में भागदौड़ हो रही है भाई, भीड़ देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस रवाना हो रही है। कौन का? धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस रवाना हो रही है 5 नंबर प्लेटफॉर्म से। भाई ब्लैक डायमंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस का मैं थोड़ा वाटर चेक कर रहा था, वाटर निकल रहा है। अभी तो देखो भाई पानी निकल रहा है, देख रहे हावड़ा तक तो क्या हो रहा है। आईना उतना साफ सुथरा नहीं है। ये ICF रेक कुछ का हाल है भाई। ये धनबाद जंक्शन की बात करते हैं, यहाँ से डेली 115 ट्रेन चलती है और इसका यहाँ से 15 ट्रेन का ओरिजिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग। और ये अपनी 2 नंबर पर लगी ब्लैक डायमंड। तो भाई ऑन टाइम से अपनी ब्लैक डायमंड धनबाद जंक्शन से डिपार्चर कर रही है 4:20 को डिपार्चर। धनबाद सिंदरी एक्सप्रेस 5 नंबर पर खड़ी है।
बाइक यहाँ सब सिंदरी भजूड़ी बोकारो के लिए गाड़ी बदल सकते हैं। ICF ब्रेक कुछ लगा इसलिए इसका एवरेज स्पीड होने वाला 54 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम स्पीड होने वाला 110 किलोमीटर पर आवर हुआ 4DD। धनबाद सिंगरौली एक्सप्रेस सिंगरौली धनबाद एक्सप्रेस सॉरी स्पीड पकड़ लिए हमारी ब्लैक डायमंड वो भी 100 पार गई है। ऑन टाइम है 4:59 में ऑन टाइम पर पहुंची थी कुमार डुबी और अचानक डिपार्चर कर गई कुमार डुबी से। 1 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट था। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है आसनसोल डिवीजन के ईस्टर्न रेलवे जोन में। इस रेलवे स्टेशन का 2 प्लेटफॉर्म है और डेली यहाँ से 51 ट्रेन गुजरती है। बराकर नदी तो पूरे 41 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस आ गई अपनी सेकंड हॉल बराकर रेलवे स्टेशन में। ये पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आती है आसनसोल डिवीजन में। यहाँ इसका इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। पूरे 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं हमारी ब्लैक डायमंड अपने तीसरे हॉल्ट कुल्ती स्टेशन पर पहुँच गई है ऑन टाइम में। यहाँ इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है और ये आसनसोल डिवीजन में आती है। इसका 2 प्लेटफॉर्म है और ये डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आती है और स्टेट वेस्ट बंगाल। यहाँ इस ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। ऑन टाइम से डिपार्चर हो रही है कुल्टी स्टेशन से अपनी ब्लैक डायमंड सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ऑन टाइम से डिपार्चर कर रही है अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस कुल्टी रेलवे स्टेशन से।
सीतारामपुर जंक्शन 49 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हुए हमारे ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पहुंच गए सीतारामपुर जंक्शन में। इसे जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से वो आपका जसीडी का लाइन जाती है और आगे का आसनसोल का। तो हमारी ब्लैक डायमंड यहां से डिपार्चर कर रही है सीतारामपुर जंक्शन से। भाई सीतारामपुर जंक्शन की बात करें तो इसका 5 प्लेटफॉर्म है, डेली यहाँ 35 ट्रेन गुजरती है। ये पश्चिम बर्धमान के आसनसोल डिवीज़न में है और वेस्ट बंगाल इसकी राज पड़ती है। बाय बाय सीतारामपुर जंक्शन। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं सीतारामपुर जंक्शन पार कर रहा हूँ। ये हमारे ट्रेन का 4th हॉल्ट है भाई। अच्छी ऑन टाइम पर हमारी ब्लैक डायमंड सुपर फास्ट एक्सप्रेस जा रही है हावड़ा की ओर बढ़ते हुए और आगे से एक ट्रेन भाई आ रही है। मालगाड़ी ट्रिक लोको सेड आसनसोल, इलेक्ट्रिक लोको सेड आसनसोल भाई पार कर रहे हैं और जस्ट आगे हम लोग आसनसोल जंक्शन पहुंचने वाले हैं। शाम हो गई है और शाम के समय हम लोग पहुंच गए हैं आसनसोल जंक्शन भाई। आसनसोल जंक्शन तो भाई पूरे 58 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पहुंच गई अपना 5वां हॉल्ट आसनसोल जंक्शन। 1 मिनट पूरे डिले से यहाँ इसका पहुंचने का टाइम था 5:34 शाम को। यहाँ इसका 3 मिनट का हॉल्ट है। आसनसोल की बात करते हैं यहाँ 7 इसका प्लेटफॉर्म है, डेली 189 ट्रेन यहाँ से जाती है। 44 ट्रेन इसका ओरिजिनेट है और टर्मिनेट। आसनसोल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है आद्रा लाइन, उसके बाद हो गया टाटा लाइन, उसके बाद इधर से एक होगी जसीडी लाइन और आगे हम लोग जाएंगे बर्धमान हावड़ा लाइन की ओर। आसनसोल पश्चिम बर्धमान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है और ये आसनसोल खुद एक डिवीज़न है वेस्ट बंगाल की। तो आसनसोल जंक्शन से डिपार्चर कर रही है ऑन टाइम में 5:37। एक्चुअली 1 मिनट लेट आई थी, फिर भी 5:37 से डिपार्चर कर रहे हैं। इसको लेट नहीं कहा जा सकता एक्चुअली, यहाँ पर घुस गई थी 5:34 पर। ये देखिए भाई आसनसोल जंक्शन का भीड़। आसनसोल जंक्शन भाई बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल की। पूरे 76 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस अपनी 6वां हॉल्ट रानीगंज पहुंच गई है। इसका स्टेशन कोड है RNG और ये पश्चिम बर्धमान के आसनसोल डिवीज़न में आती है। यहाँ इसका ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 5:52 शाम को, लेकिन ये 3 मिनट डिले पहुंची है। रानीगंज की बात करें तो इसका 4 प्लेटफॉर्म है और डेली यहाँ से 68 ट्रेन पास करती है।
रानीगंज से डिपार्चर अपने दलक डायमंड एक्सप्रेस। ओ मेरी रानी तो रानी 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 तो रानीगंज से डिपार्चर अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। दुर्गापुर सूर्या तो जस्ट भाई दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन तो पूरे 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पहुंच गई अपना नौवां हल्ट दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर, जिसका स्टेशन कोड DGR। ये पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आती है और इसका आसनसोल डिवीजन। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का 5 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से डेली 156 ट्रेन जाती है और यहाँ से एक टर्मिनेट ट्रेन है, एक ओरिजिनल ट्रेन। दुर्गापुर से डिपार्चर हो रही है भाई, दुर्गापुर से डिपार्चर अपने ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस का। भाई दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का टाइम था 6:19 बट 6:22:03 डिले पहुंची, बट ऑन टाइम पर डिपार्चर कर गई। 2 मिनट का हॉल्ट था बट 1 मिनट के बाद यहां से डिपार्चर कर गई। ये रही हमारी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। वेस्ट बंगाल की ये सबसे खास स्टेशन है, ये 2019 में इसको सफाई के मामले में इंडिया का 3rd रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है। किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर हमारी ब्लैक डायमंड अपनी बरवा हॉल्ट बर्धमान जंक्शन पहुंच गए हैं। बर्धमान जंक्शन की बात करें तो यहां पर इसका 2 मिनट का हॉल्ट है भाई और यहां पर इसका प्लेटफॉर्म 8 है और यहां से डेली 178 ट्रेन गुजरती है। यहां से टर्मिनेट ट्रेन की बात करें तो 18 और ओरिजिनल ट्रेन की बात करें तो 18 है। और बर्धमान जंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, जितने भी हावड़ा की लगभग गाड़ियां यहां पर आकर रुकती है बर्धमान जंक्शन में। बर्धमान जंक्शन पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आती है और हावड़ा डिवीजन में। बर्धमान जंक्शन से डेली 3.5 लाख लोग सफ़र करते हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है भाई, जल्दी से यहाँ से डिपार्चर करेगी अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। जंक्शन इसलिए बोलते क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है कटवा लाइन, एक हो गई आपका आसनसोल पीछे तरफ और आगे तरफ हम लोग का जाएगी भाई हबड़ा लाइन की ओर।
हावड़ा मालदा टाउन भाई, यहाँ से डिपार्चर कर रही है आई थिंक। कितना प्लेटफॉर्म नंबर है देखिए जो गाड़ी जा रही है। वर्धमान जंक्शन से डिपार्चर अपनी ब्लैक डायमंड सुपर फास्ट एक्सप्रेस का। ये ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आती है। ये अपनी वर्धमान जंक्शन से अपनी ट्रेन इधर डिपार्चर कर रही है और इधर ट्रेन निकल रही है भाई। कौन ट्रेन है? डीजल इंजन के साथ। वर्धमान जसीडी पाल सीट को स्किप कर दिए। आदि सप्तग्राम को स्किप कर रहे हैं जस्ट। मंडल जंक्शन करीब 231 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पहुंच गई अपना 13 हॉल्ट मंडल जंक्शन। यहाँ इसका 2 मिनट का हॉल्ट है भाई। मंडल जंक्शन की बात करें तो यहाँ इसका 7 प्लेटफॉर्म है और डेली 100+ ट्रेन यहाँ से गुजरती है। मंडल जंक्शन को इसलिए जंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है आपका कटुआ, एक लाइन सीधा हावड़ा और इधर भाई वर्धमान लाइन की ओर। यहाँ इस ट्रेन का भाई 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से आप दानकोनी की ओर जा सकते हैं, कोलकाता की ओर भी यहाँ से जा सकते हैं। मंडल जंक्शन हुगली डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये हावड़ा डिवीजन के अंदर आती है। यहाँ से डेली भाई 110 ट्रेन गुजरती है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा यात्री डेली यहाँ से सफ़र करते हैं भाई मंडल जंक्शन से। मंडल जंक्शन से डिपार्चर क्या हो गया भाई पता नहीं। मंडल जंक्शन में भाई क्या हो गया है, सभी दौड़ के जा रहे हैं। शायद कंफ्यूज हो गए कि भाई कि कहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी कहाँ नहीं। ये भाई मंडल जंक्शन का व्यू। उतरेंगे क्या भाई मंडल जंक्शन से? भाई एक लाइन इधर नेहाती की ओर भी जाता है जिधर से आप दमदम कोलकाता सियालदह जा सकते हैं और एक लाइन हमारी लाइन जिधर भाई जा रही है हावड़ा लाइन की ओर। मंडल जंक्शन से डिपार्चर अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस भाई। ट्रैक देखिए भाई कितना ट्रैक है। 1 2 3 4 5 6 7
भद्रेश्वर। बेदवट्टी जस्ट सिफ्रा फुल्ली इधर इधर हम सच उधर शिवड़ा फुल्ली रुके रुकने दीजिए। पूरे 249 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस पहुंच गई अपना 14 हॉल सिफ्रा फुल्ली जंक्शन। यहाँ पर जैसे सिफ्रा फुल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, इसका 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से डेली 14 ट्रेन जाती है। और साथ ही साथ डिपार्चर हो गई बहुत जल्द। डिपार्चर फ्रॉम शिवड़ा फुल्ली जंक्शन डिपार्चर। शिवड़ा फुल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो इसका 6 प्लेटफॉर्म है और डेली यहाँ से 14 ट्रेन गुजरती है। कितना ट्रेन? 14। कहाँ से 14 ट्रेन गुजर, झूठ का ही बोल रहा है, 14 ट्रेन गुजरता है। दिन में कितना ट्रेन जाता है बताया? फास्ट लोकल कितना है पता है? जस्ट इसके बाद हम लोग सीधा हावड़ा जंक्शन में मिलते हैं 9:20 को। ट्रेन अपनी टाइमिंग पे चल रही है, यहाँ पर 5 मिनट देरी से पहुँच जाता शिवड़ा फुल्ली रेलवे स्टेशन। अभी हावड़ा घुसेगा 9:20 में टाइम में, जाके घुसेगा कितने बजे? 9:20 के जगह 35 कर देते हैं। हावड़ा जंक्शन 9:20 को घुसेगा, लेकिन देख सकते हैं यदि वहाँ पर खाली नहीं रहेगा तो फिर हावड़ा गुड्स केबिन में रुक सकता है हमारी ट्रेन। फिर अब कहाँ जाओगे? हाँ, गुड्स केबिन में रुकता नहीं है, ये जाएगा 8:43 में यहाँ से छोड़ता है, लेट कर देता है, 8:50 कर देता है, यहाँ से जाएगा लीलुआ से एक नंबर से 4 नंबर में उठाता है बोल के लीलुआ में स्टॉप की से रोक देता है, कभी स्लो होके जाता है, उस टाइम बॉगी चेंज कर लेता है, फिर जाने नहीं देता है, इसलिए फिर जाता है कारसेट में। अगर जमालपुर पास करा रहा होगा तो फिर ये ट्रेन रुक देगा, नहीं तो एकदम डायरेक्ट 12 नंबर प्लेटफॉर्म में घुसा देगा। और कुछ हिंद मोटर्स तो स्किप कर रहे हैं। बेलूर रेलवे स्टेशन बेलूर। जस्ट लीलुआ स्टेशन से स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हावड़ा गुड्स केबिन की ओर। तो भाई अपनी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन पर पहुंच गई है पूरे 14 मिनट ले। इसका यहाँ पहुंचने का टाइम था रात के 9:20, लेकिन पहुंची है 9:00
वही 14 मिनट 9:34 में। तो हावड़ा जंक्शन की बात करें तो भाई ये इंडिया का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ डेली भाई 10 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाले रेलवे स्टेशन है, 23 प्लेटफॉर्म भाई। तो भाई आज की जर्नी कैसे लगी? जर्नी अच्छी लगी तो एक लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक जर्नी में, तब तक के लिए भाई टेक केयर, ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें, बाय।